यूज ऑफ एन, जब भी हम किसी पर्टिकुलर मंथ की बात करते हैं, पर्टिकुलर ईयर की बात करते हैं या पर्टिकुलर सीजन की बात करते हैं, तो हम वहां पर इनका इस्तेमाल यानी कि इनका यूज जो है वो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट गेट्स डार्क अर्ली इन विंटर. जैसा कि आपने देखा यहाँ पे विंटर जो है एक पर्टिकुलर सीजन है, तो हम यहाँ पर प्रेपोजिशन इन का यूज करेंगे. इट गेट्स डार्क अर्ली इन विंटर. सो व्हेन वी टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सीजन, अ पर्टिकुलर मंथ और अ पर्टिकुलर ईयर, वी यूज इन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. वी आर इन द 21st सेंचुरी. 21st सेंचुरी इज अ पर्टिकुलर ईयर, सो वी यूज इन. इन द 21st सेंचुरी यानी कि 21st सेंचुरी एक पर्टिकुलर ईयर है, एक पर्टिकुलर, तो हम यहाँ पर इन का इस्तेमाल करेंगे. हम यहाँ पर ऑन और एट का यूज नहीं कर सकते. द ट्रेन विल बी लीविंग इन अ फ्यू मिनट्स, यानी कि जो ट्रेन है वो कुछ ही मिनट्स में जो है वो यहाँ से चली जाएगी. विल बी लीविंग, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक पर्टिकुलर मिनट की यानी कि एक टाइम की बात हो रही है. द ट्रेन विल बी लीविंग इन अ फ्यू मिनट्स, तो हम यहाँ पर जो है वो इन का यूज करेंगे. द ट्रेन विल बी लीविंग इन अ फ्यू मिनट्स. सो फ्रेंड्स प्लीज रिमेंबर व्हेन यू टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर मंथ और अ ईयर और अ सीजन, यूज इन. लाइक आई वॉज बोर्न इन जून, कि मैं जो मेरा जो जन्म है वो जून में हुआ है, तो हम यहाँ पर इन जून, नॉट एट जून और ऑन जून. और आई विल लाइक टू हैव आइसक्रीम इन समर, जब भी हम सीजन की बात कर रहे हैं तो हम इन का यूज करेंगे. लेट्स टेक अ लुक एट द थर्ड एग्जाम्पल और द फोर्थ एग्जाम्पल, सॉरी. ही विल रिटर्न इन अ मंथ और अ वीक. नाउ इन अ फ्यू मिनट्स, इन अ मंथ और इन अ वीक, अगेन वी आर यूजिंग a month or a week, a month or a week. So we use in. जहां पर भी month और सप्ताह की बात हो रही है वहां पर हम in का use करते हैं. Again, I learned to drive in 6 weeks. यहां पर भी weeks, months की बात हो रही है, तो हम यहां पर again जो है वो in का use करेंगे, not at or in. So हमने देखा कि किस तरह से हम at, on और in का use कर सकते हैं. Okay, let's take a quick recap on how we use at, on and in with reference to time. Kis tarah se hum at ka, on ka aur in ka use kar sakte hain with reference to time. Aur kuch aise exceptions hain jahan par hum in teenon prepositions ka use nahi kar sakte. We use at, jaise ki humne kaha hum at ka use tab karte hain jab hum ek particular time ko, ek moment ko show kar rahe hote hain, that is at. We use on when we talk about a particular date or a particular day. We use in when we talk about a particular month, year and season. So now we are going to take a look at a few exceptions where we don't use these three prepositions before words like. Hum in shabdon se pehle, yani ki last, next, tomorrow, yesterday, इन शब्दों से पहले हम एट और ऑन इन, इन प्रेपोजिशन का यूज नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे. वी कांट से और वी डोंट से ऑन नेक्स्ट फ्राइडे और एट नेक्स्ट फ्राइडे और इन नेक्स्ट फ्राइडे. नो, आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे. नेक्स्ट से पहले ना ही तो एट आनाएगा, ना ही ऑन, ना ही इन. जो नेक्स्ट है वो सिर्फ नेक्स्ट फ्राइडे. तो आप ऐसा नहीं कह सकते आई विल सी यू ऑन नेक्स्ट फ्राइडे, एट नेक्स्ट फ्राइडे, इन नेक्स्ट फ्राइडे. ओनली आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे. हाँ, अगर मैं इस सेंटेंस से नेक्स्ट को हटा दूं, ऐसा लिखूं आई विल सी यू ऑन फ्राइडे, इट्स फाइन. यानी कि हम इस तरह से अगर नेक्स्ट को इस एग्जाम्पल से हटा देते हैं तो हम यहाँ पर ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं. बिकॉज फ्राइडे इज अ पर्टिकुलर डे, सो वी यूज ऑन. अगर हम यहां से नेक्स्ट को हटा दें तब. दे गॉट मैरिड लास्ट मार्च, नॉट एट लास्ट मार्च, ऑन लास्ट मार्च, इन लास्ट मार्च. नो, वी डोंट यूज एनी प्रेपोजिशन बिफोर लास्ट. वी डोंट यूज एनी प्रेपोजिशन बिफोर नेक्स्ट, लास्ट, टुमारो, यस्टरडे. लेट्स टेक अ लुक एट वन एग्जाम्पल वेयर वी can see all the three preposition in one sentence, at, on and in. I will see you on Friday at 6 in the evening. On Friday,
on particular day, on Friday. At 6, at particular time, in the evening. So, I will see you on Friday at 6 in the evening. Let's take one more example how we use at, on, and in. इस एग्जांपल में हमने यहाँ पर आपको कुछ और बात क्लियर करी है जैसे when, when at particular time आप at का यूज करेंगे जब आप particular day की बात करेंगे तब आप on का यूज करेंगे जब आप particular दिन की बात करते हैं on Monday on 25th Jan तो हम on का particular day और particular date की बात करेंगे तो हम on का use करेंगे और जब हम particular month season की बात करते हैं like in July in 2012 in summer in winter तो हम in का use करेंगे और where में जब हम किसी place की बात करते हैं like at midtown at mall जब भी हम किसी प्लेस की बात करते हैं at Heathrow, at Sheraton Hotel तो हम यहाँ पर at का यूज करते हैं यानी कि प्लेसेस के साथ हम at का यूज करेंगे और जब हम किसी पर्टिकुलर सिटी या कंट्री की बात करते हैं तो हम वहाँ पर in का यूज करेंगे in London, in Russia, in India, in Delhi, etc. For example, I arrived at the Hilton. Hilton is a place at the Hilton in New York. New York is a city in New York. At particular time at 7 o'clock. Next example, they arrived in Chicago. Chicago jo hai yahan par ek city ka naam hai. In Chicago. In the winter. Winter jo hai yahan par ek particular season ki baat hai. Toh hum kahenge in winter, in summer, etc. Anna arrived at JFK airport on Monday. At particular place at JFK airport. On particular day. On Monday, on Tuesday. तो जब भी हम किसी particular day की बात करते हैं, तो हम on का use करते हैं. और जब हम किसी particular place की बात करते हैं, तो हम at का use करते हैं. अब हम ये देखेंगे कि I'm sure here कि आपको ये सब समझ आया कि कहाँ पर हम at का, on का और in का use जो है वो कर सकते हैं. So next is the compound prepositions. अब हम ये देखेंगे कि कहाँ पर हम into का use कर सकते हैं. Or into, use of into. It is used for the objects or things are in motion, means entering inside. यानी कि जब हम कोई चीज ये शो कर रहे होते हैं, कोई चीज बाहर से अंदर की तरफ जब मूव करती है, यानी कि उस कंडीशन में हम into का यूज करते हैं. जैसे मैं कहूँ, pour some more tea into my cup. यानी कि जब जो टी है, वो मेरे कप में थोड़ी और डाल दीजिए into my cup. बाहर से अंदर की तरफ जाते हुए The frog jumped into the pond. जब frog ने jump किया कहां से बाहर से pond में तो हम ये कह सकते हैं into the pond. Into is also used for the change in something. यानी कि जब हम रूप परिवर्तन होता है जब हम किसी चीज को change कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर या कह सकते हैं जब रूप परिवर्तन होता है तब हम into का use करते हैं. Example, translate this page into Spanish. यानी कि इस पेज को आपको कन्वर्ट करना है स्पैनिश में. In the magic show में a cat turned और a cat changed into a rat. यानी कि जो cat थी वो rat के अंदर उसका रूप जो है वो परिवर्तित हो गया. A cat turned into a rat. अब हम देखेंगे किस तरह से हम to का use कर सकते हैं. To का use हम बहुत जगह पर हम to का use कर सकते हैं. For example, it is used for going one place to another. यानी कि जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए जो preposition use करते हैं वो to है. Like, I go to school every day. मैं रोजाना जो है school जाता हूँ. यानी कि एक जगह से जब हम दूसरी जगह की बात कर रहे हैं तो हम to का use करेंगे. Before infinitive verb. Infinitive verbs से पहले हम to का use करते हैं. Like, I want to buy fruit. यानी कि जब I want to buy मैं fruits खरीदना चाहता हूँ to tell the time जब हमें किसी को time बताना हो कोई समय बताना हो या उसकी सीमा बतानी हो उसकी limits बतानी हो तब हम to का use करते हैं like it is 5 minutes to 3 यानी कि 5 मिनट बाकी हैं 3 बजने में it is 5 minutes to 3 for showing the comparison क्या होता है जब हम किसी चीज की तुलना कर रहे होते हैं
एक से दूसरे की तुलना करने के लिए, लाइक डैनी इज सुपीरियर टू यू, जो डैनी है वो तुमसे अच्छा है, सुपीरियर है. एक्सप्रेस द फीलिंग, जब हम अपने भाव शो करना चाहते हैं, किसी को अपनी भावनाएं शो करना चाहते हैं, फीलिंग्स शो करना चाहते हैं, तब हम टू का यूज करते हैं. ही इज काइंड टू यू. शो द रिजल्ट्स, यानी कि जब हमें रिजल्ट्स परिणाम शो करने हो तब हम रिजल्ट्स, तो हम टू का यूज करते हैं. माई आर्टिकल टर्न टू पीसेस, जो मेरा आर्टिकल है वो अब टुकड़ों में बट गया है. बिफोर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले, जैसे कि हैंड ओवर दिस पेन टू हर, ये पेन जो है उसके हाथों में दे दीजिए. हैंड ओवर दिस पेन टू हर. अब हम देखेंगे कि कैसे हम जो है अपॉन का यूज कर सकते हैं. अपॉन यानी कि ऊपर की स्थिति में. On. It is used for the objects in the motion or on something. Like, for example, I was walking upon the stage. Yani ki jo upon ka use hai, wo upar ki, jab hum upar ki condition mein ho, up on, to hum wahan par use karte hain. I was walking upon the stage. He hit upon a nice plan. Usne ek mujhe bahut acha plan diya. Use of by. बाय का यूज, यानी कि हम बाय का यूज उस व्यक्ति के साथ करते हैं जो काम को कर रहा होता है, यानी कि डूअर के साथ हम बाय का यूज करते हैं. अगर हम उसका एक एग्जांपल नहीं, लाइक मिल्क सोल्ड, मिल्क वॉज सोल्ड बाय द मिल्कमैन, यानी कि यहाँ पर जो मिल्कमैन है वो डूअर है, तो हम यहाँ पर उसके साथ बाय का यूज करेंगे. जो टास्क को कर रहा है दैट इज डूअर, डूअर इज द मिल्कमैन, सो मिल्क वॉज सोल्ड बाय द मिल्कमैन. टाइम के साथ, यानी कि जब हम किसी को टाइम बता रहे होते हैं घड़ी के साथ, तो हम कहते हैं इट इज टू बाय माई वॉच, यानी कि मेरी घड़ी में इस समय जो है वो 2 बजे हैं. इट इज टू बाय माई वॉच. अगेन टाइम के साथ, ही विल रिटर्न होम बाय 5:30 दिस इवनिंग, बाय 5:30. टाइम, माइक कॉट हैरी बाय द नेक, यानी कि जब हम कोई एक्शन, एक्शन के रूप को प्रकट करने के लिए भी हम बाय का यूज करते हैं, कि हैरी ने माइक कॉट हैरी बाय द नेक, जो माइक है उसने हैरी को उसके नेक से पकड़ लिया. ही पेड द मनी, उसने जो है मनी जो है वो बाय चेक जो है वो पे की. यूज ऑफ विद, विद जब हम किसी की संगति, किसी की कंपनी की अवस्था बताते हैं, शो करते हैं, तब हम जो है विद का यूज करते हैं. सहारा वेंट टू टोक्यो विद हर मदर, यहाँ पे कह रहे हैं कि सहारा जो है अपनी मम्मा के साथ, यानी कि अपने मदर के साथ जो है वो टोक्यो गई है. संगति की अवस्था में, कंपनी की, कंपनी को शो करने के लिए हम विद का यूज करते हैं. द सोल्जर्स फॉल विद करेज. मैनर यानी कि जब हम किसी का, किसी की अवस्था बता रहे होते कि किस तरह से उसने मैनर्स शो, ढंग शो कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर विद का यूज करते हैं. द सोल्जर्स फॉट विद करेज, बड़ी बहादुरी से जो है सोल्जर्स ने लड़ाई लड़ी. यूज ऑफ ऑफ, हम कहाँ पर ऑफ का यूज करते हैं, जब हम रिलेशन, किसी का संबंध प्रकट करना हो तो हम ऑफ का यूज करते हैं. लाइक मिस्टर बराक ओबामा इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, बराक ओबामा और यूएस के बीच में क्या रिलेशन है, हम उसको शो कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ यूएस. क्वालिटी यानी कि किसी की क्या क्वालिटी है, किस तरह का उसका करेक्टर है, इस चीज को शो करने के लिए, तो हम यहाँ पर जो है गुण को अथवा कारण को प्रकट करने के लिए, यानी कि रीजन को शो करने के लिए भी हम ऑफ का यूज करते हैं. कैसे करते हैं, ही इज अ मैन ऑफ, यानी कि उसकी जो क्वालिटी है ऑफ हाई मोरल करेक्टर. रीजन, कारण को शो करने के लिए, लाइक शी डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर की वजह से, कि कारण से उसकी जो है मृत्यु हो गई.